27वां अध्याय श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवन, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवन, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे व्रज मंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूं। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं
उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोपवेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने एरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोकम लापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। 28वां अध्याय, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहां पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है।
आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहां केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फल स्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है, अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। 29वां अध्याय, रास लीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महन महन महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमय रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज
क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यों तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था, अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर, जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही जीवों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उबटन लगा रही थी, और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमय प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थीं कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा, सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश, प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य अनंत अप्राकृत परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं।
इसलिए वृत्तियां भगवनमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से, भौहें के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना। कहो, इस समय यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत व्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौएं दूहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहां आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन वृद्ध मूर्ख रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ।